अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स आज हम करेंगे बायो क्लास नाइन चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम सी क्यूज हैं सिलेक्ट दैक्ट आंसर फर्स्ट एम सी क्यू है हमारे पास द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ ए मॉर्फोलॉजी बी हिस्टोलॉजी सी एनाटमी डी फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स जो मार्फॉलोजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ पोरटीन्स एंड होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो फिजियोलॉजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सो करेक्ट ऑप्शन इज डी फिजियोलॉजी नेक्स्ट एम सी क्यों हमारे पास हिस्टोलॉजी इज दी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज सेल्स फॉसिल्स और प्लांट्स करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए टिश्यूज स्टडी ऑफ जो टिश्योजी होती है, है बच्चों पेलेंटालोजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को किसकी फॉसिल्स नेक्स्ट ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन है सी एम सी क्यू सी नेक्स्ट हमारे पास है दी अदर नेम ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज ऑप्शन ए इकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी बच्चों ये जहाँ पे हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी उसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें बताया हुआ था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी सो करेक्ट ऑप्शन इज इकोलॉजी नेक्स्ट एमसीक्यू इज माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन आर फंजाई एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी माइक्रो ऑर्गेजम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम लाइक बैक्टीरिया वायरसेस नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज नाउन एज फाउंडर ऑफ मेडिसन बच्चों हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में तीन साइंटिस्ट के नाम पढ़ा था जाबेर बिन हान बुअली सीना एंड अब्दुल मलिक इसमाई सो so, जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए भूवली सीना जो फाउंडर ऑफ मेडिसन है वो है भूगली सीना नेक्स्ट एम सी क्यू हमारे पास विच वन ऑफ दिज एलिमेंट्स इज हाईएस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी ए हाइड्रोजन बी ऑक्सीजन सी कार्बन डी नाइट्रोजन सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन नेक्स्ट एम सी क्यू इज फॉलोइंगलूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शनिना एंड ऑप्शन मस्टर्ड और फ्रॉग में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है नेक्स्ट ऑप्शन है एमसी क्यू है हमारे पास विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी

फार्मेसी जो थी है स्टडी ऑफ ड्रग्स अब ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बायोटेक्नोलॉजी दिस इज द करेक्ट वन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि यूज ऑफ टेक्निक्स टू मैनिपुलेट लिविंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड तो अभी जब ह्यूमन जीन इंसर्ट करें बैक्टीरिया में तो ये बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द व्हाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर ए बिन हयान बी अब्दुल मलिक मलिकली सिना सो so, स्टूडेंट्स जो फर्स्ट शॉर्ट है इसका आंसर है पेज नंबर नाइन एंड टेन पे ये आपको टॉपिक नज़र आ रहा है पेज नंबर नाइन पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इसमें से जाब बिन यान बुअलीसना अब्दुलमलिकस्मई इन तीनों का हमने जो कंट्रीब्यूशन है ये बतानी है कि जो जाबे बिन यान है इसने क्या किया था एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी और नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी थी प्लांट्स एनिमल में जो फेमस बुक्स है वो कौन कौन सी हैं बतात है बु अली सीना इज फाउंडर ऑफ मेडिसन फेमन बुक बुक्स ऑफ हीलिंग एंड कैनल ऑफ़ मेडिसन और अब्दुल मलिक अब्दुलमलिकस्मई फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटी टू जोलॉजी बॉटनी एंड एनिमल हस्बेंडी एंड फेमस बुक इस किताब हल्कुल इंसान नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाटमी एंड मार्फोलॉजी स्टूडेंट्स वेरी इजी ये मतलब इन दोनों जो हमारे पास ये एनाटमी और मार्फोलॉजी क्या दो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं तो ये जो हमारे पास पेज नंबर टू पेज नंबर सिक्स ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इसमें से मार्फॉलोजी और अनाटमी के हम क्या करेंगे डेफिनेशन लिखेंगे डिफरेंस के लिए ठीक है तो हमें डिफरेंस बताना है तो हम क्या करेंगे तो इस्किल के अलावा भी कोई भी ब्रांचेज आ सकती हैं उसमें डिफरेंस करने के लिए तो ये जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है आपको सारों का पता होना चाहिए तो अभी इसमें किस किस का उसने पूछा हुआ हमसे अनाटमी और मॉर्फोलॉजी तो एनाटमी क्या स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर मार्फॉलोजी स्टडी ऑफ़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बी है हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल्स एंड माइक्रो मालिक्यूल्स ये हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला लेवल होता है टॉमिक लेवल उसके बाद आ जाता है मालिक्यूलर लेवल उसमें हमने पढ़ा था कि माल्कुल्स, जो मालिकूल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं और वो चार ही हैं कौन कौन से प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड और उसमें भी हमने पढ़ा था कुछ माइक्रो मालिक्यूल्स हैं और कुछ मैक्रो मालिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ये आपको मैं बताता हूँ ये है पेज नंबर ये देखें ये पेज नंबर है हमारे पास टेन ये बायो मालिक्यूज में आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है पहले बायो मालिक्यूज बताया हुआ है कि फाउंड फाउंडेशन की नीचे बायो मालिक्यूज उसके बाद ये आपको नजर आ रहा था माइक्रो मालिक्यूज एंड माइक्रो मालिक्यूज मालिक्यूल्स स्मॉल मालिक्यूल जो होते हैं उनको माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं और जब लार्ज ऑर्गेनिक मालक्यूल है उनका माइक्रो मालिक्यूज कहते हैं स्मॉल मालिक्यूज की एग्जाम्पल में फैटी से माइनोसिस और लार्ज मालिक्यूल की एग्जाम्पल है स्टार्च प्रोटीन नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ये भी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में से आया इसमें आप सिंपली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे कि यूज ऑफ टेक्निक्स टू मैनिप्ले लिविंग रीजन फॉर वेलफेयर ऑफ एंड इम्यूनोलॉजी क्या थी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास डी ए जीनेटिक्स एंड बायोलॉजी ये भी हमारे पास जो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में से है जीनेटिक्स क्या थी स्टडी ऑफ हेरिडिटी और जींस एंड सोशियो बायोलॉजी क्या थी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी लाइक आर्ट्स नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गेनाइल ये हमने पढ़ा था कि जब आ, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से बच्चों आया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे सिंपली ये जो हमारे पास एक है ऑर्गन मालिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गेनैली बनाते हैं लाइक like, uh, तो इसमें हम लिखेंगे एक ऑर्गेली की डेफिनेशन लिखेंगे ठीक है और दूसरा उससे हमने ऑर्गन से पूछा था ऑर्गन क्या जब वेरियस टिश्यूज कंबाइन होते हैं ऑर्गन और टू आर मोर टाइप टिश्यूट टूगेदर टू अ टास्क तो ये हमारे पास ऑर्गन बन जाता है हार्ट पर नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज लिंक्ड विद अदर साइंसिस सो so स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारे पास ये पेज नंबर सेवन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद विदर्द साइंसिस क्या है कि हमने कहा था कि जो बायोलॉजी है कोई ऐसा रिलेटेड साइंस नहीं है ये बाकी साइंसिस के साथ भी इसका लिंक है तो उसमें हमने पढ़ी थी बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायोमिट्री बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स तो इसका ये पेज नंबर नाइन के सेवन के लास्ट से और एट के स्टार्ट में इसका आंसर है ठीक है ये जो हमारा रिलेशनशिप बायोलॉजी विदर्द साइंस है इसमें ये हमने लिखा है नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूर ऑर्गेनाइजेशन ये हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनि सेल्यूलर कॉलोनियल मेड सेल इसमें हम कॉलोनियल और मल्टी सेलर का डिफरेंस uh, लिख देंगे क्या था कि लिविंग सेल्स जो थे कॉलोनियल लिविंग टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ठीक है और इसकी एग्जांपल थी वॉलॉक्स और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं सेल मेनी सेल्स लाइक ह्यूमंस फ्रॉग नेक्स्ट है like हमारे पास व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ हार्टीकल्चर इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेज नंबर एटर्स एंड दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी में हार्टीकल्चर तो इसमें हार्टीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स के आर्ट ऑफ गार्डनिंग ठीक है तो इसमें हम क्या इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लिख देंगे यह है पेज नंबर एट पे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास वाट इज मेड बाई डिवीजन ऑफ लेबर अमंग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म इसका बच्चों आंसर इसमें है मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन में ये देखें कि जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते कि जो हैं कि विच आर कम्पोज ऑफ मैनी क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट परफॉर्म बाई डिफरेंट सेल्स टिश्यूज आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर ठीक है कि इसमें डिफरेंट जो टिश्यूज या सेल्स होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं ठीक है ये शर्क क्वेश्चन हमारे कम्पली हो चुके हैं नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो बायोलॉजी इज रिलेटेड विद द साइंसेस शो एंड एक्सप्लेन द लिंक ये हमने पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द द साइंसिस जिसमें बायोफिजिक्स बायो बायोमेट्री बायोमिट्री बायोजोग्राफी एंड बायो बायो इकोनॉमिक्स पांचों ब्रांचेस का आ, जो ब्रांचेस बायो का लिंक है बाकी साइंस के साथ वो बताएंगे ठीक है सिंपली नेक्स्ट है हमारे पास हाउलॉजी कैन लीड टू कैरियर्स ऑफ़ मेडिसिन सर्जरी फिशरीज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बायोटेक्नोलॉजी हार्टीकल्चर फार्मिंग एंड फरेस्ट्री सिंपली स्टूडेंट इसमें हम टॉपिक लिख देंगे पेज नंबर एट से कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी तो उसमें ये सारे जो कैरियर्स हैं ये दिए हुए और हम क्या करेंगे कि वहाँ से ये सिंपली इनको लिख देंगे नेक्स्ट है हमारे पास गिवे एन अकाउंट ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गनाइन जी ऑर्गनाइजेशन स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन इसमें हमने जितने भी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गनाइसन पढ़े वो लिख देने कौन कौन से लेवल्स हमें पता है सबसे पहले एक होता है टॉमिक लेवल फिर क्या हो जाता है मालिकुलर लेवल मालिकुलर के बाद क्या आता है ऑर्गेनालिस लेवल फिर सेलूलर लेवल फिर टिश्यू लेवल फिर ऑर्गन लेवल फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल और एंड पे इंडिविजअल ठीक है तो ये जितने भी लेवल्स हैं ये आप देख सकते हैं पेज नंबर ये पेज नंबर है ये हमारे पास टेन पे ठीक है तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ये आप आ, ये जो हमारे पास एक टेबल वन पॉइंट वन दिया हुआ है तो ये जो लेवल्स कितने हैं हमारे इसमें आठ लेवल्स दिए हुए तो इनका आप बता सकते हैं कि इस लेवल में क्या है और क्या है सेलवर्स क्या, है, क्या, है, क्या, है, क्या है, और विद एग्जाम्पल तो ये आप इसमें ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यह टेबल लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर unicellular, colonial and एंड मल्टी सेलो ऑर्गेइजेशन ये वेरी इजी सेलो ऑर्गेनाइजेशन में हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी यूनीलुलर होती है किसिस्टम सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनीलुलर एंड मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कॉलोनी एंड मल्टी सेलो ऑर्गेजम का सिस्टम मैनी सेल्स ठीक है तो हम सिंपली इन तीनों का क्या क्या कंपेरिजन कर देंगे नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज़ बायोटेक्नोलोल यूजफुल फॉर सोसाइटी इसका स्टूडेंट सिम्पली आंसर है कैरियर्स इन बायोलॉजी पेज नंबर एट कैरियर्स इन कैरियर्ज दैट रिक्वायर बैकग्राउंड इन बायोलॉजी में वहाँ से हम इसका लिखेंगे ठीक है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वायज बायोलॉजी इम्पोर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स गिव रीजन सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है ये है पेज नंबर सिक्स पे ठीक है स्टूडेंट्स सो so, स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है होपफुली आपको समझ आ गई होगी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन थैंक यू